लोग मुंबई मंत्रालय में आए हुए हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के वजीर दाखिला देवेंद्र जी फडणवीस साहब से मुलाकात के लिए हम लोग आए थे, लेकिन इत्तेफाक से हम लोगों को आज टाइम नहीं मिल सका, वो बिजी है। लेकिन उनके पर्सनल सेक्रेटरी से हम लोगों ने मिला और एक हम लोगों ने लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया है कि जो मालेगांव शहर में जो गढ़ की यात्रा जो मालेगांव शहर से गुजरी और जो वारदात वहाँ पर हुई, जिस तरीके से प्लानिंग थी फसाद कराने की, जिस तरीके से डंडा काठी लाठी पत्थरबाजी की गई, इससे पिछले साल भी इस तरीके से की गई, और जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो केस दाखिल किया है राइड वगैरह का दाखिल किया, ये मैं समझता हूँ कि शहर के साथ इंसाफ नहीं है, शहर के साथ नहीं, तालुके के साथ नहीं। अगर जिन लोगों ने ऐसी हरकत की और प्लानिंग की थी पहले से डंडा काठी वगैरह की पत्थर की, तो प्लानिंग का केस क्यों नहीं, ये हमारा सवाल है। तो 120B के तहत भी गुनाह दर्ज किया जाए और ऐसे लोग जो पुलिस के पास फुटेज है, वीडियो है, वो पुलिस उनको पकड़े, अननोन लोगों के ऊपर केस बना के कोई फायदा नहीं, और नहीं तो उनकी हिम्मत खुलेगी और फिर आइंदा कुछ ना कुछ करेगी। तो इसके लिए हमने आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को लेटर दिया है और हमने डिमांड किया कि 120B के जो 12 नवंबर वालों को जिस तरीके से उनके ऊपर भी 120B प्लानिंग डाला गया था, जबकि प्लानिंग नहीं थी लेकिन डाला गया था, कई सौ लोगों पर डाल दिए, तो एक महाराष्ट्र में दो कानून नहीं चलेगे, एक ही कानून चलेगा। तो 120B के तहत हमारा डिमांड है कि उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो लोग दिख रहे हैं सियासी लोग हैं जुलूस में, उन लोगों को भी अटक किया जाए, ये हमारी डिमांड है।